हेलो गाइस, दिस कुशाक। वेलकम टू कुशाक सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज के वीडियो डिस्कस करने वाले क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। आज हम पढ़ेंगे लाइंस और एंगल्स के बारे में। सो ये पार्ट 3rd है। अगर किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज मेरे आई बटन पर क्लिक करिए और वहां से जाके देख लीजिए। इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 6.3 कवर करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। सो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखा है हमें। साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ एंगल पी क्यू आर आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी रेस्पेक्टिवली इफ एस पी आर इज इक्वल्स टू 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। फाइंड पी आर क्यू, हमें यहाँ पी आर क्यू फाइंड करना है। तो हमें एक फिगर दे रखा है, तो चलिए हम फिगर बना लेते हैं। फिगर में क्या दे रखा है चलिए देखते हैं। तो ये फिगर दे रखा है हमें, अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है टी, यहाँ लिखा हुआ है क्यू, यहाँ लिखा हुआ है आर, पर ये नहीं है, बस इतना ही है। सो यहाँ लिखा हुआ है आर, आर यहाँ लिखा हुआ है, फिर यहाँ लिखिए यहाँ एक एंगल बना हुआ है 110 डिग्री का, और यहाँ पे लिखा हुआ है एस, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पी, और यहाँ बना हुआ है एक एंगल 135 डिग्री का। सो ये हमें फिगर दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टी क्यू पी, टी क्यू पी क्योंकि हमें एंगल बनाना है एक टी क्यू पी वाला। सो अगर किसी ने ये पता नहीं है तो वो मेरे पार्ट 2 में से जाके देख लीजिए, ठीक है। तो एंगल टी क्यू पी ये है, ठीक है। एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टी क्यू पी जो है, टी क्यू पी ये जो है, ये एंगल 110 डिग्री पे है। तो 110 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 70 डिग्री यह आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं एंगल पी क्यू आर, इसके बाद हम करेंगे एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर लिख देते हैं हम फिर से, पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू क्यू पी आर क्यू क्योंकि हमें फाइंड करना है पी आर क्यू, हम पी आर क्यू लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। अब एंगल पी आर क्यू क्या है, 70 डिग्री है, 70 डिग्री आया हमारा, प्लस पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब ये होगा, अब हमें क्या फाइंड करना है, पी क्यू आर ही फाइंड करना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। अब यहाँ पे क्या रहेगा, एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू इक्वल्स टू 65 डिग्री यह देगा आंसर, ठीक है। अब क्यों आया ये, क्योंकि हमने लीनियर पेयर बनाया 180 डिग्री में, लीनियर पेयर बनाया था। लीनियर पेयर क्या होता है, कैसे बनाते हैं लीनियर पेयर, वो सब पार्ट 2 में दे रखा है, मैंने बता रखा है पूरा सवाल, मैंने पार्ट 2 में बता रखा है, इसलिए ज़्यादा सा मैंने वो सब बताया नहीं है। इसलिए प्लीज़ पार्ट 2 को ज़रूर देखिए, जब भी आपको ये समझ में आ गया पार्ट, क्योंकि ये लास्ट पार्ट है ना, इसलिए मैं ये सवाल को ऐसे नहीं बता रहा हूँ समझा के, क्योंकि आपको ज़रूर देखना है, वो देखिए ज़रूर। लास्ट पार्ट है ना ये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दे रखा है x, एंगल x, एक एंगल है x इज इक्वल्स टू 62 डिग्री, 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 54 डिग्री इफ वाई ओ एंड जेड ओ आर बास्केटर ऑफ, ऑफ किसके बास्केट है ना, एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स वाई एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली ऑफ एंगल एक्स वाई जेड ओ ओ जेड वाई एंड
सॉरी फाइंड ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, हमें यहाँ पे फाइंड करना है ओ जेड वाई और वाई ओ जेड। सो यहाँ एक हमें फिगर दे रखा है, चलिए फिगर बना लेते हैं हम। सो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा वाई, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा जेड, यहाँ पे लिखा हुआ है 54 डिग्री, यहाँ पे हमारा 54 डिग्री यहाँ दे रखा है, फिर यहाँ पे दे रखा है ओ, यहाँ पे बना हुआ है हमारा 62 डिग्री, 62 डिग्री, फिर यहाँ पे बना हुआ है हमारा एक्स, ये है ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब इसके बाद यहाँ ये हमें फिगर दे रखा है, फिर यहाँ देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो एक्स वाई जेड लिख लेते हैं हम, एक्स वाई जेड, और हम फिर प्लस करते हैं प्लस एंगल, प्लस एंगल वाई जेड एक्स, प्लस एंगल जेड एक्स वाई, ओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये आ जाएगा। अब एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड क्या है 54 डिग्री, तो 54 डिग्री 54 डिग्री वन प्लस वाई जेड एक्स प्लस प्लस क्या आएगा, अब ये जेड वाई जेड एक्स वाई ये 62 डिग्री पर है, तो 62 डिग्री लिख देते हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री ये आएगा। फिर यहाँ पे एंगल वाई जेड एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री माइनस 62 डिग्री ये आएगा ठीक है, ये तो आएगा। अब जब हम ये सब माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, जब हम ये सब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 64 डिग्री, क्या आएगा 64 डिग्री। अब इसके बाद ये आ गया, अब इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पे ओ जेड वाई, क्योंकि हमें ओ जेड वाई क्या करना है फाइंड करना है, इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2 एंगल एंगल वाई, एंगल वाई जेड एक्स इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में 64 डिग्री इक्वल्स टू, अब ये क्या है 2 से 64 कटा तो क्या आएगा, 2 से ये 2 दोनों 2 से ये 64 कटा तो क्या आएगा 32 डिग्री, क्या आएगा 32 डिग्री, सीधी सीधी बात है 32 डिग्री आएगा ठीक है। अब ओ जेड वाई तो हमने फाइंड कर लिया, अब किस पाते हैं हम, अब कौन सा था दूसरा वाई ओ जेड, क्या था वाई ओ जेड, वाई ओ जेड को लिख लेते हैं हम वाई ओ जेड, वाई ओ जेड प्लस वाई ओ जेड प्लस वाई ओ जेड प्लस एंगल ओ वाई जेड ये है। तो अब यहाँ देखिए ओ वाई जेड, फिर हम प्लस करेंगे फिर से क्या ओ जेड वाई, ओ जेड वाई क्यों, क्योंकि ओ जेड वाई तो हम निकल के आ गया, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ठीक है। अब ओ जेड वाई आ गया इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री क्यों पता चल गया होगा आपको, जिसको नहीं पता चला उसको बताइए कहाँ से देख रहे हैं उसको ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एंगल वाई ओ जेड, एंगल वाई ओ जेड इज इक्वल्स क्या आ जाएगा, सॉरी अभी नहीं आएगा, पहले लिखते हैं एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड प्लस एंगल सॉरी प्लस 27 डिग्री, 27 डिग्री क्यों, ओ वाई जेड जो है ये ओ वाई जेड इसका आधा क्या होता है 54 का 27, सो यहाँ पे देखिए ये हो गया, फिर प्लस 32 डिग्री, 32 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री ये ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 27 डिग्री माइनस 32 डिग्री ये है, अब इक्वल्स टू आएगा हाँ 121 डिग्री, तो ये भी आ गया वाई ओ जेड ओके, ये सवाल भी क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दे रखा है इफ ए बी पैरेलल डी ई, ए बी पैरेलल है डी ई के, एंगल वी ए सी, एंगल वी ए सी इक्वल्स टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इक्वल्स टू 53 डिग्री, फाइंड एंगल डी सी ई ओके। और यहां पे हम लिख लेते हैं बी ए सी, वो सॉरी पहले फिगर देखते हैं, फिगर में ऐसे फिगर दे रखा है ठीक है, अब ये फिगर दे रखा है, सो यहाँ पे D, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे लिख लेते हैं 53 डिग्री
ओके यहाँ पे फिर ई, यहाँ पे आएगा ई और यहाँ पे सी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए, यहाँ पे लिखते हैं हम ए, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम बी, बी ठीक है, अब फिर यहाँ पे ये है 35 डिग्री, 35 डिग्री है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये बी ए सी जो एंगल दे रखा था हमें, बी ए सी इक्वल्स क्या आएगा, ए ई डी, ए ई डी कैसे आएगा वो आपको पता ही है, सेकंड पार्ट में जाके पता ही चल जाएगा, अगर जिसको पता है उसको पता है, ठीक है। सो ए बी ए सी जो है वो 35 डिग्री का है, तो ए डी इक्वल्स टू कितना आएगा, 35 डिग्री, ए ई डी इक्वल्स टू 35 डिग्री, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे डी सी ई, डी सी ई फाइंड करना है, तो हम लिख लेते हैं एंगल, एंगल सी डी ई, एंगल सी सी डी ई, सी डी ई प्लस डी ई सी, डी ई सी प्लस डी सी ई, डी सी ई क्या आएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब सी डी, सी डी, सी डी ई क्या है, सी डी ये 53 डिग्री का है, क्योंकि ये 53 डिग्री वाले एंगल पर है, प्लस ये कितने डिग्री का है, ये है 35 डिग्री का, ये 35 डिग्री वाले एंगल पर, प्लस डी सी ई ये है इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एंगल, एंगल डी, एंगल बनाते हैं सब में, एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 53 डिग्री माइनस 35 डिग्री, ओके ये होगा, ठीक है। अब ऐसे ही सब फाइंड करने में सब में ऐसे ही माइनस हो रहा है, ठीक है। अब इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे 92 डिग्री, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, भी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में क्या दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 था, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इन द गिवन फिगर, हमें गिवन फिगर दे रखा है, हमें फिगर दे रखा है, इफ लाइंस पी क्यू, लाइंस पी क्यू और आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी सच दैट एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल आर पी टी इज इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल टी एस क्यू इज इक्वल टू 75 डिग्री, फाइंड एंगल एस क्यू टी, हमें एंगल एस क्यू टी फाइंड करना है, ठीक है। अब एक फिगर दे रखा है, फिगर में क्या दे रखा है हमें, हमें एक फिगर दे रखा है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम आर, यहाँ पे लिखा हुआ है आर, यहाँ पे पी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एस, यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू, यहाँ क्यू, यहाँ पे टी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 40 डिग्री, यहाँ पे लिखा हुआ है 95 डिग्री और यहाँ पे लिखा हुआ है 75 डिग्री, ये लिखा हुआ है सब में। अब यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, पी और आर को हम अलग अलग ले लेते हैं, ठीक है, पी और आर को हम अलग अलग लिया हमने, हमें फाइंड क्या करना है, एस क्यू टी, इसलिए हम ले लेते हैं, जब हमें फाइंड करने के लिए ले लेते हैं, जरूरत पड़ रही है हमें इनकी, फाइंड करना है ना हमें पी टी आर, ये हो जाएगा। अब ये पी कितना है 95 डिग्री के एंगल पर है, प्लस आर कितना है 40 डिग्री के एंगल पर है, प्लस एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, वहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 180 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया, अब यहाँ पे पी आर टी, पी टी आर सॉरी एंगल पी टी आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री फिर माइनस 95 डिग्री, 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो सॉरी माइनस ही नाइन माइनस 40 डिग्री इक्वल्स टू ये आएगा, ठीक है। अब इसे जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसके बाद हम चेक करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या फाइंड करना है हमें, यहाँ पे एस क्यू टी, एस क्यू टी फाइंड करना है, तो पी पी टी आर इक्वल्स टू क्यू टी एस लिख देते हैं, पी टी आर इक्वल्स टू क्या लिखता है क्यू टी एस, ये है ना, पी टी आर इक्वल्स टू क्यू एस, क्यू टी एस, क्यू टी एस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ एंगल टी एस क्यू, टी एस क्यू प्लस एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री लिखना पड़ेगा, एस क्यू टी भी आ गया,
अब यहाँ पे लिख देते हैं एस यू टी के बाद, यहाँ लिखा हुआ है ये जो है टी एस क्यू, ये 75 डिग्री के एंगल पर है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 75 डिग्री प्लस ये कितने एंगल पर है, ये 45 डिग्री के एंगल पर है, 45 डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर कैसे है, 40 पर क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है हमारा एस टी क्यू, एस टी क्यू ऐसा आ रहा है ना, एस टी क्यू 45 डिग्री के एंगल पर आ रहा है ये, ठीक है, ये 45 डिग्री के एंगल पर आ रहा है, प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ हम देखिए, यहाँ ये हो गया, अब यहाँ लिख लेते हैं हम एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, ठीक है 60 डिग्री। अब ये हो गया एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। सो रुक जाइए, अभी मैं एक मिनट में आता हूँ, बस एक मिनट में आता हूँ। तो गाइज अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फाइव में दे रखा है इन द गिवन फिगर, हमें एक फिगर दे रखा है, इफ पी क्यू परपेंडिकुलर पी एस कोमा पी क्यू पैरेलल एस आर एंगल एस क्यू आर इज इक्वल्स टू 28 डिग्री एंड एंगल क्यू आर टी इज इक्वल्स टू 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, सो यहाँ पे फिगर दे रखा है, सो फिगर देखते हैं, चलिए हम फिगर में क्या दे रखा है, फिगर ऐसा ये फिगर दे रखा है हमें, लिखा हुआ है क्यू एस आर टी सी, हमें फिगर दे रखा है, चलिए यहाँ पे हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए तो देखते हैं कैसे करते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एस क्यू आर और क्यू आर टी, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्यू आर टी, पहले लिखते हैं क्यू आर टी, एंगल जो क्यू आर टी दे रखा है हमें, एंगल क्यू आर टी इज इक्वल्स टू एंगल आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल आर एस क्यू, ये दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल क्यू आर टी है, एंगल क्यू आर टी कितने डिग्री का है, एंगल क्यू आर टी देखते हैं कितने डिग्री का है, ये 65 डिग्री का है, सो यहाँ पे एंगल आर एस क्यू आर आर क्यू एस ये 28 डिग्री का है मगर, और ये आर एस क्यू ये 65 डिग्री का है आर एस क्यू, सो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि आर एस क्यू क्योंकि हमें इन्हें सेम बनाना है दोनों को, पर ये 28 डिग्री है और ये क्या है, ये 28 डिग्री का है, ये 65 डिग्री है आर एस क्यू, और यहाँ आर एस क्यू हो गया, तो आर एस क्यू लिख लिया हमने, इक्वल्स टू हम लिख लेते हैं यहाँ पे जो 65 डिग्री हमें दे रखा था, 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री ये लिख लेते हैं, तो दोनों की कितनी डिग्री आ गई, 37 डिग्री दोनों की हमारी आ गई, 37 डिग्री आ गई, सो ये कितने के हैं, ये 37 डिग्री है आर एस क्यू, 37 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये तो आ गई एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स क्या, एक्स हमें पहले दे रखा था, इसलिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, एक्स की तो फाइंड कर ली, अब वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अब ये जो पी क्यू और आर एस थे, पी क्यू और पी एस थे, ये परपेंडिकुलर थे, अब यहाँ पे पी जो है, पी एंगल जो पी है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल पी प्लस एंगल पी क्यू एस, ये लिखते हैं हम प्लस लिखेंगे एंगल पी पी एस क्यू, ये लिखेंगे पी एस क्यू,
इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री आएगा क्यों, इसकी वजह से आएगा, ये लीनियर पेयर्स की वजह से आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पी जो है 90 डिग्री का है, अब यहाँ हम 90 डिग्री लिखते हैं, प्लस प्लस एंगल पी क्यू एस ये आएगा, फिर प्लस क्या लिखेंगे, आर एस क्यू कितना आएगा हमारा 37, तो 37 डिग्री आ जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो है एंगल पी क्यू एस जो है इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, यस एंगल पी क्यू एस की जगह हम लिख सकते हैं वाई, क्योंकि हम वाई की वैल्यू फाइंड करना है, आर एस क्यू में 37 आया तो पी क्यू एस में क्या जाएगा वाई आ जाएगा, वाई इक्वल्स टू लिख लेते हैं हम यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, ठीक है ये है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, जब हम इसके माइनस करेंगे इन सबको तो यहाँ पर आ जाएगा 53 डिग्री, क्या आ जाएगा 53 डिग्री, क्या जाएगा 53 डिग्री। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या आया 37 डिग्री, और y इज इक्वल्स टू क्या आया, y इज इक्वल्स टू आया हमारा 53 डिग्री, ठीक है ये आया। सो ये क्वेश्चन 5 भी क्लियर हो गया, सही ये लास्ट क्वेश्चन था, यही थी आज की हमारा यही थी आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।